بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون صلوات بر محمد ایک اور بلند تر صلوات پر برادران عزیز قرآن حکیم جو رب اکبر کا آخری منشور ہے اور عالم بشریت کے نام اس کا آخری رسمی خطاب ہے اس خطاب میں اتنی جامعیت ہے کہ جو بجائے خود معجزہ ہے جامعیت کے باوصف اختصار وہ بھی معجزہ بالائے معجزہ ہے دیکھیے حیات و کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو اگر کوئی بشر ایسی کتاب لکھنا چاہے اولاً تو تنہا کوئی ایک فرد لکھ نہیں سکتا اور اگر کوئی ٹیم ورک ہو بیٹھ کر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے تو پھر انسائیکلوپیڈیا کتنی زخیم ہوگی کتنی جلدیں ہوں گی اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں آج کل جو انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے انسائیکلوپیڈیا امریکانہ ہے اور بہت سی ایسی کتابیں آ چکی ہیں ان کی ضخامت کتنے والیومز ہیں اور پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر مسئلہ اس میں موجود ہے لیکن کوئی رطب و یابس ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو اور اس کے باوجود اتنی مختصر کتاب تو اس کی جامعیت ایک معجزہ ہے اور باوصف جامعیت اس کا اختصار معجزہ بالائے معجزہ ہے ایسا نہیں ہے صرف کہ قرآن مجید زبان کے اعتبار سے معجزہ ہے فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے یہ کہہ کر گزر جانا قرآن شناسی کا حق ادا نہیں کرتا قرآن مجید کی جامعیت اور اس کے اختصار کا راز یہ ہے کہ اس کی ایک ایک حرکت میں اس کے ایک ایک سکون میں بہت سے معانی پوشیدہ ہیں اس کے اسلوب میں تہ در تہ معانی مضمر ہیں
इस पर मैंने गुफ्तगू कराची में और मुल्तान में मुख्तसरन की है, लेकिन सिर्फ़ एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़हने बशरी की तरबियत इस तरह करता है क़ुरान, अपने मौजू और अपने मजामीन और अपने असालीब के ज़रिए से, कि बयक वक्त ज़हने बशरी ज़मीनी हकायक से लेकर इलाहियाती हकायक तक इस तरह बयक वक्त इस तरह परवरिश पाता है, परवान चढ़ता है कि उसकी फ़िक्र में एक आफाकियत पैदा हो जाती है। ज़हन इंसानी इतना वसीह हो जाता है, फ़िक्र इंसानी इतनी बुलंद हो जाती है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक, ज़मीनी हकायक से लेकर और इलाहियाती हकायक तक इंसान की निगाह और उसकी फ़िक्र रसा हो जाती है। और इसके लिए जो उसलूब इख्तियार किया है वो ये कि कई तारीख़ी मसाइल होते हैं और उसी के दरमियान क़ुरान मजीद फ़लसफ़ियाना मसाइल पेश कर देता है, कई फ़लसफ़ियाना निकात होते हैं उन्हीं के साथ साथ कुछ अमली बातें पेश कर देता है, ताकि फ़िक्र व अमल में, इल्म व अमल में दुई बाकी न रहे। देखिए यूँ भी ये नुक्ता इब्तदाही में अर्ज़ कर दूँ कि इल्म और अमल में दुई मुमकिन नहीं है, इल्म और अमल में जुदाई मुमकिन नहीं है, इल्मी एतबार से, फ़लसफ़ियाना एतबार से, हकीमाना नुक्ते नज़र से, इरफानी नुक्ते नज़र से इल्म और अमल में जुदाई मुमकिन नहीं है, तफकीक मुमकिन नहीं है। इल्म अगर कहीं ठहरता है तो सिर्फ बसूरत अमल, इल्म अगर ठहरता है कहीं तो सिर्फ बसूरत अमल, वरना इल्म ठहरता ही नहीं, इसलिए कि वो ठहरने वाली चीज़ है ही नहीं। इल्म ठहरेगा तो सिर्फ बसूरत अमल। अब ज़ाहिर बज़्म में उलमा तशरीफ़ फरमाएं, ये जुमला भी मैंने कहीं कहा था कि जब उलमा तशरीफ़ फरमा होते हैं तो मेरे अंदर का तालिब इल्म मचलने लगता है। हज़रत अल्लामा आयतुल्लाह हाफिज़ रियाज़ हुसैन साहब नजफ़ी तशरीफ़ फरमाएं, और बिरादरान अज़ीज़ अफ़ाज़िल हौज़ा तशरीफ़ फरमाएं, जामियतुल मुंतज़िर के उस्ताद ये तशरीफ़ फरमाएं, जनाब मौलाना सलमान नकवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं कि जो हौज़ा इल्मिया क़ुम में एक मदरसे के बुनियाद गुज़ार भी हैं और मदरस भी हैं। इन हज़रात की मौजूदगी में सिर्फ इशारा काफ़ी है कि मुल्ला सदरा की जो हिकमत मुतआलिया है, उस हिकमत मुतआलिया की बुनियाद पर अगर गौर किया जाए तो ये जुमला एक नहीं एक से ज़्यादा बराहीन इसके पीछे हैं कि इल्म ठहरने वाली चीज़ ही नहीं है, इल्म अगर ठहरता है तो सिर्फ़ बसूरत अमल। और यूँ भी आप ज़रा गौर फरमाइए, सरफी एतबार से तो मादे अलग अलग कहलाते हैं, लेकिन इश्तिकाकी एतबार से इल्म और अमल का मादा एक ही है, एक ही बाब से हैं। इल्म में है ऐन लाम मीम, अमल में क्या है? अमल में क्या है?
इसके अलावा कोई हर्फ है? नहीं है ना। बस ये है कि लाम आगे से पीछे हो गया, मीम पीछे से आगे आ गया, बस इतना ही फ़र्क है। ऐसे ही है जैसे कोई क़याम से क़ुऊद इख्तियार कर ले। क़याम की हालत में आज़ा की तरतीब अलग होती है और क़ुऊद के हालत में आज़ा की तरतीब अलग होती है। इल्म ठहरने वाली चीज़ नहीं है, ठहरेगा क़ुऊद कहीं इख्तियार करेगा तो अमल बन जाएगा। आज़ा बदले नहीं, अज़ा बदले नहीं, तरतीब बदल गई, वज़ बदल गई। गौर फरमाया आपने, यही वो हकीकत है हकीमाना और फ़लसफियाना और वजूदी हकीकत जिसकी तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इशारा फरमाया है। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया है कि अल इल्मु यहतिफु बिल अमल फइन अजाब व इल्ला इर्तहल। नहजुल बलागा, इल्म अमल को आवाज़ देता है, पुकारता है। अगर अमल वहाँ वजूद में आ जाता है तो इल्म ठहरता है, व इल्ला इर्तहल वरना वहाँ से गुजर जाता है। अल इल्म यहतिफ बिल अमल। मुल्ला सदरा बाद में पैदा हुए हैं, बहुत बाद में पैदा। मुल्ला सदरा तो पैदा ही हुए हैं इन्हीं कलिमात की रोशनी में, फहम हदीस के नतीजे में मुल्ला सदरा मुल्ला सदरा हुए हैं। हिकमत मुतालिया उनकी किताब जो असफ़ार अरबा मशहूर व मारूफ है वो फ़लसफे में है, मगर यही मुल्ला सदरा है जिन्होंने तफसीर कुरान मजीद भी लिखी है, यही मुल्ला सदरा है जिन्होंने शरह उसूल काफ़ी भी लिखी है। तो अफकार और जौहर इल्म जो उनके यहाँ है वो इरशादात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम। इरशादात अमीरुल मोमिनीन और इरशादात अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से ये जौहर इल्म मिला है उन्हें। अगर हकीमाना एतबार से गौर कीजिए कि अल इल्म यहतिफ बिल अमल, इल्म अमल को आवाज़ देता है। व इल्लर फ़इन अजाबा, अगर इल्म वहाँ पर लब्बैक कहता है कि मतलब अगर इल्म वहाँ मौजूद होता है, वजूद में आ जाता है, अगर अमल वहाँ वजूद में आ जाता है तो फिर इल्म वहाँ ठहरता है। व इल्ला इर्तहल वरना गुज़र जाता है। इसीलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि आलिम वही है जो बाअमल हो। जुमला सख्त महसूस होगा मगर इतना सख्त है नहीं, बहुत हल्का जुमला है। आलिम वही है जो बाअमल हो, जो बेअमल हो वो आलिम नहीं अय्यार होता है। इल्म का बेअमली से क्या वास्ता है? इल्म का बेअमली से कोई वास्ता नहीं। आज से जो बहस शुरू हो रही है, आज से जो उन्वान गुफ्तगू है मेरा, वो इल्म और अमल ही से मुतालिक है। और इस्तिलाहन उसका उन्वान है इज्तिहाद व तफक्कुह, तफक्कुह फिद्दीन, इज्तिहाद। और ज़ाहिर है कि तशरीफ़ फरमा हैं वो उलमाए आलम जिनकी मौजूदगी में इस बहस का लुत्फ़ आएगा। क़ुरान मजीद में इज्तिहाद और तफक्कुह की बुनियादें मौजूद हैं। मिन जुमला उन रहनुमा कलिमात के एक ये मकाम है जो मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। सूरह मुबारक तौबा की आयत है, 11वें पारे में है। सूरह तौबा
दसवें पारे से शुरू होता है, ग्यारहवें पारे तक पहुंचता है। ग्यारहवें पारे में तकरीबन शुरू ही में यह आयत है, सूरह तौबा नवा सूरा है कुरान मजीद का, और उसका वो हिस्सा जो ग्यारहवें पारे में है उसकी उस हिस्से में 122वीं आयत है। ये पूरी आयत मैंने तिलावत भी नहीं की है, एक पस मंज़र है, और उसके बाद ये फ़िक्रा आता है, फ़लौला नफ़रा मिन कुल फ़िरक़तिन मिन्हुम ताइफ़तुन लियतफ़क्क़हू फ़िद्दीन। क्यों नहीं ऐसा होता कि लोगों में से हर फ़िरक़े से कुछ लोग उठें, सफ़र करें और मरकज़ इल्म तक पहुँचें, लियतफ़क़हू फ़िद्दीन, ताकि वो दीन में तफक्कुह पैदा करें। अभी मैंने तफक्कुह का तर्जमा नहीं किया है, आज की पूरी मजलिस तफक्कुह के तर्जमे ही में सर्फ हो जाएगी। ताकि वो दीनी तफक्कुह पैदा करें, और फिर क्या करें, तफक्कुह का मकसद क्या है, सिर्फ स्पेशलिस्ट बन जाएं, कानूनदान बन जाएं, फ़कीह बन जाएं, मुज्तहिद बन जाएं, बस इतना ही नहीं। वलयुनज़िरु क़ौमहुम इज़ा रजऊ, और फिर अपनी कौम को डराएं जब वापस आएं, मरकज़ इल्म से वापस आएं तो कौम को डराएं, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि कौम कुफ्र शिर्क ज़लालत जहल से बचे और इल्मी ज़िंदगी अख्तियार करे, दीनी ज़िंदगी अख्तियार करे। यह सादा सा तर्जमा आयत का, जो कि नामुकम्मल है, सादा सा तर्जमा है। इससे हालांकि बहस कल भी होगी और इंशाल्लाह परसों भी, मगर कुछ अहम तमहीदी मतालिब हैं जो आप तक गुजारिश करने हैं, आप तक पहुँचाने हैं, इसलिए कि उलमा तो इस फ़न के हैं, अहले फ़न हैं, लेकिन जो दानिश्वर तबका बैठा हुआ है हमारे सामने, जो असातिज़ा हैं दानिशगाहों के, जो उदबा हैं, शुआरा हैं, स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन्हें भी बहुत से मतालिब से वाकिफ़ होना चाहिए। एक मुकम्मल सकाफ़ती शख्सियत को दूसरे उलूम से भी आशना होना चाहिए। किसी एक फ़न में मर्द यक फ़न के तौर पर जिए, मगर दूसरे तमाम फ़न का भी जायका रखता हो। होना ये चाहिए, तब वो होती है शख्सियत, एक मुकम्मल सकाफ़ती शख्सियत, एक मुकम्मल तहज़ीबी शख्सियत, एक कल्चर्ड या वेल मैनर्ड जो पर्सनालिटी होती है, सिविलाइज्ड कल्चर में जो एक मुकम्मल शख्सियत होती है इंसानी, वो एक जहत नहीं होती, एक रुखी नहीं होती है, तमाम उलूम व फ़नून का ज़ौक़ होना चाहिए। यह और बात है कि मैदान कोई एक फ़न होगा, कोई एक इल्म होगा, और इसलिए भी ज़रूरी है कि मिल्लत इस्लामिया पर एक अजीब सानहा गुज़रा है, एक अजीब अलमिये से गुज़रे हैं आप और अभी भी गुज़र रहे हैं। देखिए, आप हज़रात मुझसे हमेशा फ़ज़ाइल सुनते रहते हैं, मसाइब अहले बैत सुनते रहते हैं, लेकिन अपने मसाइब भी सुना कीजिए, अपने मसाइब पे भी गौर किया कीजिए। एक तारीख़ी पस मंज़र है, इजाज़त दीजिए कि मैं गुजारिश करके आगे बढ़ूँ। सब जानते हैं, सब जानते हैं कि ये बर्र सगीर पाक व हिंद, ये अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के एक दौर से गुज़रा है। अब उस दौर में भी अलमनाक पहलू भी है, ताबनाक पहलू भी है, दोनों हैं। हर दौर के कुछ फ़वाद होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। अब ये
दयानतदार मुअर्रिख का काम है कि वो सही तज्जिया करे। अगर मुअर्रिख गैर जानिबदार है तो वो बताएगा कि फ़वाइद ज़्यादा हुए या नुकसानात ज़्यादा हुए। मैं इस वक्त तारीख़ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तारीख़ मेरा मौजू नहीं है, मैं तो सिर्फ़ एक तारीख़ी बयान कोट करके आगे बढ़ जाऊँगा। जब ग़ुलामी का आगाज़ हुआ तो बर्र सग़ीर में पहले से जो इल्मी निज़ाम कायम था, जो भी था जैसा भी था, एक इल्मी निज़ाम था। हर हर गली कूचे में मकतब हुआ करते थे, मदरसे हुआ करते थे, उलमा के घर मदरसे होते थे, मस्जिदों में दर्स होता था, इल्मी मुआशरा था। मैं उसकी तस्वीर कशी अभी तक किसी मुअर्रिख के कलम ने की नहीं है आज तक। खालिस इस्लामी तहजीब और सकाफ़त में जो इल्मी कल्चर परवान चढ़ा है उसकी तस्वीर कशी अभी तक किसी खुद मशरक़ी कलम ने नहीं की है, और मगरबी कलम ने अगर की भी है तो वो कितनी कर सकते थे। उलमा के घर मदरसे हुआ करते थे, मस्जिदें मदरसे हुआ करती थीं, मदरसे तो होते ही थे मदरसे, और मदरसों में ज़ाहिर मस्जिद के अपने अहकाम हैं, लेकिन तफरीक नहीं थी इंसान और इंसान के दरमियान। गौर से देखिए आप तारीख, इंसान और इंसान के दरमियान कोई तफरीक नहीं होती थी, एक ही फर्श मकतब पर सब बैठते थे और सबको उस्ताद एक एक बच्चे पर खुसूसी तवज्जो देता था, और फिर जौहर काबिल निखर के सामने आते थे। देखिए ना क्या क्या कामूसी शख्सियतें पैदा हुई हैं मशरक़ी तहजीब के दामन में, जाकर देखें। एक मैं मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरी मशरक़ी तहजीब और ख़ास तौर से इस्लामी मशरक़ी तहजीब, इस्लामी मशरक़ी तहजीब पूरी दुनिया को एक शख्सियत ला के दिखा दे ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी जैसी, मुहक्किक़ तूसी ख्वाजा नसीरुद्दीन, अपने वक्त का सबसे बड़ा रियाजीदान ख्वाजा नसीरुद्दीन, अपने वक्त का सबसे बड़ा माहिर इल्म अखलाक ख्वाजा नसीरुद्दीन, अपने वक्त की सबसे बड़ी अखलाकी शख्सियत ख्वाजा नसीरुद्दीन, अपने वक्त का एक नुमाया फ़कीह ख्वाजा नसीरुद्दीन, अपने वक्त का एक नुमाया और अजीम आरिफ ख्वाजा नसीरुद्दीन, अपने वक्त का एक बेहतरीन मुदब्बिर और सियासतदान ख्वाजा नसीरुद्दीन। ऐसा जीनियस कोई ले आके दिखा दीजिए मुझे, मासूमीन की बात नहीं कर रहा हूँ। अजीज़ान गिरामी, जवानान अज़ीज़, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी ख़वातीन भी यहाँ आकर सुन रही हैं बयान को, हैं कल कैसी माएँ थीं जिन्होंने ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी जैसा बेटा जन्म दिया, आज की माएँ ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी क्यों नहीं जन्म दे रही हैं? आपके सोचने की बात है, आपके सोचने की बात है। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी सियासी तदब्बुर भी, सियासी मनसब भी हासिल किया, मुसलमानों की दानिश्वरों की जानें बचाईं, मैं तो मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ। बहरहाल ये निज़ाम तालीम था जिसमें एक एक बच्चे का जौहर उभारा जाता था, बर्र सग़ीर में भी यही था। अंग्रेज़ों ने आने के बाद सबसे पहली खिदमत ये की कि वो जो तालीमी निज़ाम और नेटवर्क था उसे ख़त्म कर दिया। 50 बरस तक पूरे बर्रे सग़ीर में कोई मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड बाकायदा तालीमी निज़ाम नहीं था। कितने बरस तक? तारीख देखिए, हवाले की ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं यूं ही नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में कई दिन गुजारे हैं,
मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी में कई दिन गुजारे हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी इन आँखों से खुद पढ़े हैं। फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, 50 साल तक, और एक किताब अगर पुरानी लाइब्रेरीज़ में मिल जाएगी, उर्दू में भी एक साहब ने लिखी थी, मुसलमानों का रोशन मुस्तकबिल, सैयद तुफैल अहमद साहब मरहूम अलीगढ़ के स्कॉलर थे, उन्होंने किताब लिखी थी उर्दू में, और उसमें भी कोटेशंस दिए हैं उन्होंने, किसी न किसी पुरानी लाइब्रेरी में होगी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में होगी। इतनी अच्छी लाइब्रेरी आपके पास यहाँ मौजूद है, काश के वो वेल मेंटेन्ड रहे। उस किताब को जाकर देखें, 50 साल तक कोई तालीमी निज़ाम नहीं था। 50 साल में 2 नस्लें जवान हो जाती हैं और 1 या 1.5 नस्ल बूढ़ी हो जाती है, हैं? मामूली अलमिया है ये। उसके बाद जो तालीमी निज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ, उस तालीमी निज़ाम की बुनियाद किस पर रखी गई, किस पॉलिसी पर रखी गई? इंसान दोस्ती पर नहीं, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम या थ्योरी थी नहीं, जॉब ओरिएंटेड थी वो भी नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट ओरिएंटेड थी। इंटरेस्ट किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में जो बात थी, उस पर पूरे एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी गई। आप डॉक्यूमेंट्स जाकर पढ़िएगा खुद। जो बिल बना एजुकेशन का, वो उसकी इबारत ये थी कि भाई अब कोई ना कोई निज़ाम तालीम भी कायम करना ज़रूरी है, वरना तारीख में हमारा नाम बहुत स्याह हरफों से लिखा जाएगा कि इन्होंने इतने बड़े मुल्क पर हुकूमत की और कोई तालीमी निज़ाम नहीं दिया। तवज्जो रखिएगा। उसके बाद देखो, तालीमी निज़ाम ऐसा हो कि इनका जो कल्चरल हेरिटेज है उसे मिटा दिया जाए, इनकी जो इल्मी मीरास है उसकी तरफ इनको तवज्जो न दिलाई जाए, 2 निज़ाम रखा जाए, हिंदुओं को अलग तालीम दी जाए, मुसलमानों को अलग तालीम दी जाए। और फरमाएं आप, बर्रे सगीर में 900 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, कोई फितना नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ का। 90 बरस सिर्फ अंग्रेज़ों ने हुकूमत की बाकायदा, और आज तक फितना बाकी है। मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इल्मी मसाइल के भी कुछ तारीखी पस मंज़र हुआ करते हैं। अब हिंदुओं को अलग तालीम दी जाएगी, मुसलमानों को अलग तालीम दी जाएगी, जबकि तवज्जो रखिएगा, जबकि जो बरसगीर का मुआशरा था उसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है। यहाँ कोई ना कोई बुज़ुर्ग ऐसा होगा जो तस्दीक करेगा कि लफ्ज़ मौलवी जो है वो इस्कॉलर के मानी में इस्तेमाल होता था, और सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर के लिए मखसूस नहीं था, कोई भी स्कॉलर हो उसको मौलवी कहा जाता था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर थे जिन्होंने गालिब के खतूत को एडिट किया, और माहिर गालिबियात थे, उर्दू अरबी फारसी के माहिर थे, उनका नाम था मौलवी महेश प्रसाद। यहाँ लाहौर में ये नुस्खा मिल जाएगा आपको, खतूत गालिब का वो नुस्खा जो मौलवी महेश प्रसाद ने एडिट किया है, मिल जाएगा आपको। और ये एक नाम नहीं है, बहुत से और नाम थे। यानी ऐसा कल्चर था, स्कॉलर को मौलवी कहते थे, मौलवी कहते ही थे स्कॉलर को। अच्छा, अब आगे बढ़ूँ। अब वहाँ तफरीक हुई पहली कि ये जो है एक निज़ाम तालीम हिंदुओं के लिए हो और एक निज़ाम तालीम मुसलमानों के लिए हो। और उसके बाद
मुसलमानों के लिए जो निज़ाम तालीम हो, अब यहाँ से गौर फरमाएंगे, हमारे स्कॉलर्स, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे नौजवान, हमारे जवान, उलुल अज़्म जवान, साहिबान इरादा और साहिबान हिम्मत और साहिबान हौसला, गौर फरमाइएगा कि अगर आपको इज़्ज़त रफ्ता वापस लेनी है तो क्या रास्ता है उसका। पॉलिसी के अल्फाज ये हैं कि मुसलमानों के निसाब तालीम से फ़िक्ह का इल्म निकाल दो, फ़िक्ह का इल्म निकाल दो, इसलिए कि फ़िक्ह वो इल्म है जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों ने हुकूमत करना सीखा है, महकूम रहना नहीं सीखा। इसलिए निज़ाम तालीम में, निसाब तालीम में फ़िक्ह हटा दो, तवज्जो है, उसकी जगह क्या पढ़ाओ, तारीख पढ़ाओ, हिस्ट्री। कोशिश करो कि तारीख के गड़े हुए मुर्दे उखड़ें और ये उस पर लड़ें। कोशिश ये करो कि तारीख पढ़ाई जाए और तारीखी इख्तिलाफात उभारे जाएं। अब बस यहाँ पर गुफ्तगू रोक कर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़रा आप अपना ज़ौक, आज हर एक ख़वातीन और हज़रात जो सामने तशरीफ़ फरमाएं वो गौर फरमाएं। हर सवाल व जवाब की निशस्त में मेरे पास जो सवालात आते हैं, 90% सवालात तारीखी होते हैं। आज तक आप तारीख़ के मसाइल में उलझे हुए हैं, जो तारीख पढ़ नहीं रहे हैं, जिनकी फील्ड हिस्ट्री नहीं है, वो भी मजलिसों में, महफिलों में, नशस्तों में ज़ेर बहस अगर सवालात आ रहे हैं, ज़ेर गौर अगर सवालात आ रहे हैं, तो क्या हिस्ट्री, तारीख, 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 तारीख माजी का इल्म है। आप माजी में जी रहे हैं या हाल में? जीने की बातें कीजिए। माजी, माजी जो वजूद नहीं रखता आज, गौर से सुने, माजी वजूद नहीं रखता। जो चीज़ वजूद रखती है वो बस हाल है, या जिस चीज़ की उम्मीद पर जी रहे हैं वो मुस्तकबिल है। हाल का लम्हा, हाल की सख्तियाँ अगर बर्दाश्त कर रहे हैं तो मुस्तकबिल की उम्मीद में। तारीख मुस्तकबिल का इल्म नहीं, माजी का इल्म है। तारीख की एक इफादियत है, बहुत मामूली सी इफादियत, बहुत मामूली सी इफादियत, उसका एक दायरे कार है, एक दायरे असर है, कुछ समरात हैं उसके, लेकिन माजी की तारीख जिंदगी को नहीं संवार सकती। जो मौजू मैंने इंतखाब किया है उसकी अहमियत को समझें। तारीख माजी का इल्म है, आप जिंदगी माजी में नहीं बसर कर रहे हैं। माजी में फुला साहब गुजरे थे, उनकी कितनी औलादें थीं, उनकी कितनी बीवियां थीं, उनकी वालदा का नाम क्या था, उनकी जौजा का नाम क्या था, उनका इंतकाल किस सन में हुआ, किस तारीख में हुआ। अच्छा, ये मालूम हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी कितनी संवर जाएगी। आपके घर में चिराग रोशन हो जाएगा, आपका बच्चा परवान चढ़ जाएगा, आपका फ्यूचर संवर जाएगा। इतना मालूम करके के फलां की वालिदा का नाम क्या था, फलां की बीवियां कितनी थीं, आपके घर के मसाइल हल हो जाएंगे। आपके घर के मसाइल, आपकी ज़िंदगी के मसाइल, आपके माशरे के मसाइल, आपकी दुनिया के मसाइल तारीख से नहीं, फ़िक्ह से हल होते हैं। फ़िक्ही शऊर ख़त्म हो गया हमारी मिल्लत से, बल्कि एक तरह से फुकहा से बेजारी पैदा कर दी गई, शरीयत से दूरी पैदा कर दी गई। किसी ने सियासत करके शरीयत से दूर किया आपको, और अब एक पूरा तबका पैदा हो गया है
जो माशाल्लाह सो कॉल्ड तसव्वुफ और मारिफत के नाम पर शरीयत से दूर कर रहा है। मारिफत और शरीयत की क्या बेजारी है, गौर से सुने और याद रखें। और अब जो सवालात पैदा हों ज़रूर भेजिएगा मुझ तक सवालात, और ख़ुद भी जाके लाइब्रेरीज़ में रिसर्च कीजिएगा। ये हमारे कितने जवान और नौजवान बच्चे और चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ शोबों में मैनेजमेंट के कोर्सेज़ करते हैं, है ना। हर चीज़ की मैनेजमेंट के अलग अलग मंसूबे हैं, हुकूमतें भी मैनेजमेंट पर चलती हैं। घर के मैनेजमेंट से लेकर और होटल के मैनेजमेंट तक, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट तक, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट तक, बिजनेस मैनेजमेंट, हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं जो बाकायदा पढ़ाए जा रहे हैं। आप भारी फीस देकर पढ़ते हैं, फिक्र पूरी ज़िंदगी के मैनेजमेंट का इल्म है। विलादत से लेकर वफात तक, बल्कि सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट क्या हो सकता है, बेहतरीन मैनेजमेंट क्या हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए मुझे सफ़र करना है, आपको किसी को सफ़र करना है, यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है, वाशिंगटन जाना है, तो बेहतरीन मैनेजमेंट ये होगा कि जिस वक्त आप लॉजिस्टिक्स तय करेंगे, किस प्लेन से जाना है, किस वक्त जाएंगे, किस वक्त आएंगे, क्या होगा, तो उसके साथ साथ आप ये तय करेंगे कि यहाँ हमें एयरपोर्ट कौन छोड़ने जाएगा, एयरपोर्ट पे क्या सहूलतें फराहम होंगी, फ़्लाइट में क्या सहूलतें फराहम होंगी, वहाँ एयरपोर्ट पे हमें रिसीव करने कौन आएगा, हम किस होटल में ठहरेंगे, वहाँ हमारे साथ कौन रहेगा, कंपनी किसकी होगी, पहले से सब चीज़ तय होगी, तब तो आप एक अच्छे इंसान और एक मुनज़्ज़म इंसान शुमार होंगे, वरना मुनज़्ज़म इंसान शुमार नहीं होंगे। जिस तरह आप दुनिया के मसाइल में तय करते हैं कराची से या लाहौर से परवाज़ से पहले कि वहाँ जाकर न्यूयॉर्क या वाशिंगटन में आपका साथ कौन होगा, घर कैसा होगा, क़याम कैसा होगा, फ़िक्र का इल्म वो है जो दुनिया भी संवारता है और साथ साथ ये भी मैनेजमेंट बता देता है बरज़ख कैसी रहेगी, कब्र कैसी रहेगी, महशर कैसा रहेगा, जन्नत कैसी रहेगी। और फरमाया यहाँ से लेके वहाँ तक का मैनेजमेंट जो इल्म संभालता है उसका नाम है इल्म फ़िक्र। अब बहुत से लोग इसे फ़िक्र कहते हैं, फ़िक्र गलत है, फ़िक्र है, इल्म फ़िक्र। फ़िक्र के मानी क्या है, इसी फ़िक्र से ये आयत करीमा जो हमने आपके सामने तिलावत की है, फ़लौला नफ़रा मिन कुल फ़िरक़तिन मिन्हुम ताइफ़तुन लियतफ़क्क़हू फ़िद्दीन, क्यों नहीं हर गरोह से, हर कबीले से, हर करिए से, हर शहर से, हर मुल्क से कुछ लोग, थोड़े से लोग उठते और मरकज़ इल्म तक क्यों नहीं जाते, मरकज़ इल्म तक क्यों नहीं जाते, शहर इल्म तक क्यों नहीं जाते, बाब इल्म तक क्यों नहीं जाते, ताकि जाने के बाद वो तफक्कुह फिद्दीन पैदा करें। अब मैं यहाँ पर एक उमूमियत पसंदाना ताबीर तो मैंने पेश कर दी, एक ऐसी तारीफ़, एक ऐसी डिफिनीशन जो आप आज की 21वीं सदी की जो उमूमी ज़बान है उसके मुताबिक आपके जहन में एक आइडिया आ गया कि इल्म फ़िक्र क्या है। मैनेजमेंट का इल्म है, ज़िंदगी का मैनेजमेंट, रूहानी मसाइल से लेकर और मादी मसाइल तक। इबादात रूहानी मैनेजमेंट, मुआमलात मादी मैनेजमेंट, तिजारत बेउ शरा, ज़राअत, तमाम मसाइल, तमाम अहकाम, सब पूरी फ़िक्र ज़िंदगी की, टोटल ज़िंदगी की मैनेजमेंट। ये मफहूम बहुत करीब आ गया जहन के आपके, लेकिन इस इल्म को फ़िक्र का नाम क्यों अता किया गया, तवज्जो रहे। कौन कहता है
कि शरीयत में लोच और लचक नहीं है। कहते हैं ना शरीयत में कहीं लोच नहीं है, लचक नहीं है, सख्त है। तो आप एक एक चीज पर गौर फरमाएं और फिर ये गौर फरमाएं कि लोच और लचक कैसी चाहते हैं आप, कितनी चाहते हैं, कैसी चाहते हैं। फिक अल्फिक हो फिल लुगत अल्फहम, लुगत में फिक फहम को कहते हैं, फहम, फहम यानी सूझबूझ। कितनी लतीफ चीज़ है सूझबूझ। कौन होगा दुनिया में जो सूझबूझ का दुश्मन हो? सूझबूझ, शुऊर हैं। फर्क क्या है फिक्र में और फिक्र में? फिक्र भी तो एक ज़हनी अमल है और फिक्र भी एक ज़हनी अमल है। आप तो रसायल का दर्श फरमाते हैं। फिक्र में और फिक्र में क्या फर्क है? फिक्र का लफ्ज इल्म मंतिक में बार बार आता है, वहां फिक्र आप इस्तेमाल नहीं करते। और फिक्र का लफ्ज इल्म फिक्र में आता है, यहां आप फिक्र का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। जबकि हैं दोनों ज़हनी अमल। फिक्र भी ज़हनी अमल है, फिक्र भी ज़हनी अमल है, लेकिन फिक्र की जगह फिक्र को नहीं रख सकते और फिक्र की जगह फिक्र को नहीं रख सकते। हैं दोनों ज़हनी अमल और सूझबूझ। ये सूझबूझ दिमाग के किसी खुलिये का नाम नहीं है, दिमाग के किसी खास हिस्से का नाम नहीं है, जिस्म के किसी खास हिस्से का नाम नहीं है। सूझबूझ या फहम या समझ ये खुद एक मुजर्रद हकीकत है, एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है, मुजर्रद है। ख्याल इंसानी भी मुजर्रद है, अक्ल इंसानी भी मुजर्रद है। जो लोग फलसफा पढ़ते हैं वो जानते हैं कि तजर्रुद के भी मरातिब हैं। ख्याल इंसानी तजर्रुद बरज़खी रखता है, अक्ल इंसानी माफोक तजर्रुद है। ऐसा ही है। मैं सबक सुना रहा हूँ और ये कह रहे हैं हाँ सही सुना रहे हो। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। फिक्र की जगह फिक्र का कलिमा इस्तेमाल नहीं कर सकते और फिक्र की जगह फिक्र का कलिमा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि फिक्र सिर्फ ज़हनी अमल है। जब तक इल्म फिक्र के सांचे में रहता है, जब तक इल्म सिर्फ फिक्र की हद तक रहता है, उसमें कयाम की सलाहियत नहीं होती। जब इल्म फिक्र से गुजर कर फिक्र बन जाता है तो फिर वो अमल के सांचे में ढर कर ठहर जाता है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। दूसरी ताबीर, इन ताबीर हादर मबाहिस दर से खारिज हम ना दी दीदी इंशाल्लाह। ताज़ा है, हर्फ ताज़ा ही दर मीजनी। फिक और फिक्र दो कलमे हैं। अक्ल को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। अक्ल को एक कहते हैं अक्ल नजरी, एक को कहते हैं अक्ल अमली। अक्ल नजरी सिर्फ नजरियात तक है, अमल से उसका कोई सरोकार नहीं। अक्ल अमली अमल से सरोकार है उसका। फिक्र अक्ल नजरी का हिस्सा है।
فقہ عقل عملی کا حصہ ہے. فکر عقل نظری کا حصہ ہے. منطقی بہک سکتا ہے, فقیہ نہیں بہک سکتا. مثال کے طور پر نام لے سکتا ہوں مگر لوں گا نہیں. منطق کے بڑے بڑے ماہرین ہوئے, بڑے بڑے امام ہوئے, مگر چونکہ سرمایہ ان کا صرف منطق تھا تو وہ امام المشککین بن گئے, یعنی شک کرنے والوں کے امام. اسلامی علوم کی تاریخ پڑھیں, اسلامی تہذیب کی تاریخ پڑھیں, اسلامی ثقافت کی تاریخ پڑھیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا لقب پڑ گیا امام المشککین, ہے نا؟ بس لقب کی حد تک رکھیں, نام نہ لیں تو بہتر. لقب ہے امام المشککین, شک کرنے والوں کے امام, چونکہ سرمایہ ان کا فقہ نہیں فکر تھی. مکمل طور پر فکر کو رد نہیں کر رہا ہوں میں, فکر اور فقہ دونوں ذہن کے عمل ہیں, دونوں میں اگر پیوند ہو جائے تو برابر ہو جائے. لیکن اگر دونوں کا رشتہ الگ الگ رہے, رشتہ نہ قائم ہو, تو پھر مشکل ہو جائے گی. اب دیکھیں کہ کہاں یہ رشتہ مستحکم ہوتا ہے اور کہاں مستحکم نہیں. دنیا میں جو صرف فکر کے سہارے سے چلے, اس کے حصے میں کچھ نظریات تو آ سکتے ہیں مگر ٹھوس حقائق اس کے حصے میں نہیں آ سکتے. وہ امام المشککین بن سکتا ہے, امام المتقین نہیں بن سکتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ تو وابستگان امام المتقین میں سے ہیں, آپ کو شکوک و شبہات کی آندھیاں کبھی ہراساں نہیں کر سکتی, کبھی ہراساں نہیں کر سکتی. تھوڑی سی گفتگو اور آگے بڑھے. ابھی تک میں نے یہ عرض کیا کہ الفقہ فی اللغت الفہم, لغت کے اعتبار سے, ڈکشنری کے اعتبار سے کتاب لغت میں فقہ کے معنی فہم کے ہیں, سوجھ بوجھ سمجھ. جب اس کلمے کو لے کر ایک مخصوص مفہوم میں استعمال کیا گیا, اور وہ مفہوم تھا کہ ہمیں دین کے, شریعت کے, فروعات شریعت کے مسائل کو ان کے دلائل سے حاصل کر کے ثابت کرنے کا جو علم ہے, اس کا نام رکھا گیا علم فقہ. اب ظاہر ہے کہ وہ جو ٹیکنیکل تعریفات ہیں ان کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر, لیکن تقریباً میں نے اس کا عام فہم ترجمہ کر دیا ہے کہ علم فقہ هو العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ. یہ وہ علم ہے کہ جو شرعی اور فرعی احکام کا علم ہے, مگر صرف احکام کا علم نہیں بلکہ ان کے تفصیلی دلائل سے, دلیلوں کے ساتھ. کون کہتا ہے کہ شریعت بے دلیل ہوتی ہے؟ نحن ابناء الدلیل, ہم سب کے سب دلیل کے فرزند ہیں.
कदम कदम पर ये जुमला कहते हैं, नहनु अबनाउ दलील, दलील लाइए मान लेंगे, दलील नहीं है नहीं मानेंगे। कोई एक हुक्म ऐसा नहीं है शरीयत का जिसके पीछे दलील ना हो, मुमकिन नहीं है कि बगैर दलील के कोई बात की जाए फिक्र के मैदान में। इसीलिए फिक्र को वो लोग नापसंद कर सकते हैं जो दलील ना रखते हों। देखिए आप हजरात अमली ज़िंदगी के लिए भी कुछ चीज़ें लेकर जाया कीजिए। हर शख्स देखिए अपनी मामलात ज़िंदगी में देखिएगा, आप किसी से गुफ्तगू करें, अगर आप मंतिकी गुफ्तगू कर रहे हैं, इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स आपके दुरुस्त हैं, रीज़नेबल गुफ्तगू हो रही है और दूसरा उतनी रीज़नेबल गुफ्तगू नहीं कर सकता आपसे, तो वो या गुफ्तगू बंद कर देगा या आपका दुश्मन हो जाएगा। मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैंने तो बहुत बार तजर्बा किया, मालूम कोई दुश्मनी नहीं, मैंने कोई तौहीन नहीं की, कोई दुख नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं, वो दुश्मन हो गए। क्यों दुश्मन हो गए? बहुत सोचा तो इस नतीजे पहुंचा कि भाई मैं जो कुछ कह रहा था वो मेरी बात को अपने दलाइल से रद्द नहीं कर सके, दुश्मन हो गए। इल्म कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, जहल है जो इल्म की दुश्मनी करता है। तारीख उठा के देखो तो अली की दुश्मनी का राज भी बस यही है। और कोई राज नहीं है, मौलाए कायनात ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नुकसान क्या पहुँचाते हैं, वो नुकसान क्या पहुँचाते। अली का नाम अली है, अली अली यानी बुलंद, वो इन चीज़ों से बहुत बुलंद हैं, वो बहुत बुलंद हैं कि किसी को नुकसान पहुँचाने के मुतालिक सोचें। नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। वो तो पैदा हुए थे वली के तौर पर, अली वली थे, बुलंद थे और वली थे। वली कहते हैं गार्जियन को, गार्जियन भी रुतबतन बुलंद होता है, गार्जियन का रुतबा बुलंद होता है, सरपरस्त जात भी बुलंद थी, मनसब भी बुलंद था। तो हमेशा सिर्फ फायदा पहुंचाने की तो सोच सकते थे अली, नुकसान पहुंचाने की कभी नहीं सोच सकते, कभी नहीं सोच सकते। कोई एक मिसाल नहीं दे सकते आप, एक मिसाल आप नहीं दे सकते। और इसीलिए चूंकि आपकी ज़ात मुबारक ऐसी थी, इसीलिए हुज़ूर गिरामी ने उनकी ज़ात को अपने इल्म के लिए मखसूस किया। आज इल्म फ़िक्ह के तौर पर जो कुछ भी दामन इस्लाम में है वो सब अता अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। जाहिर है कि तकरीर के पैराए में गुफ्तगू हो रही है, लेकिन अगर कोई शख्स चाहे कि मैं इस बात को इसके तफसीली हवाले पेश करूं तो हवाले जाहिर है कि इसी लाहौर में बैठकर मैं पेश कर सकता हूं। यहाँ इतनी किताबें हैं, इतने इल्मी मराकज़ हैं, इतने कुतुबखाने हैं कि मैं यहाँ भी हवाले दे सकता हूं। आज दामन मुस्लिमीन में, मुसलमानों के दामन में जितने उलूम का सरमाया है, इल्म फ़िक्ह हो, इल्म मंतिक हो, इल्म हिकमत हो, इल्म फ़लसफ़ा हो, जनाब वाला इल्म कलाम हो, इल्म उसूल फ़िक्ह हो, कोई इल्म ऐसा, इल्म इरफान हो, इल्म तरीक़त हो, इल्म हकीक़त हो, इल्म शरीयत हो, कोई इल्म ऐसा नहीं है कि जिस इल्म का सिलसिला वहाँ तक ना पहुँचता हो। इसलिए कि तमाम उलूम हासिल हुए हैं शहर इल्म से, और शहर इल्म में जाने का रास्ता और शहर इल्म से निकलने का रास्ता बस एक। अल्लाह
बस एक रास्ता है, एक ही दरवाज़ा दिखाया है रसूलल्लाह ने, दूसरा कोई दरवाज़ा दिखाया हो तो बताइए मुझे, मैं बताइए मुझे बताइए कि बहुत से शहर होते हैं वो, यहाँ भी लाहौर का कभी वो हिसार रहा होगा, पुरानी दीवार होगी तो उसमें कई दरवाज़े होंगे, एक जो है वो उधर खुलता होगा और दूसरा उधर खुलता होगा। दिल्ली में तो हैं कई दरवाज़े, लाहौरी गेट अलग है और अजमेरी गेट अलग है और दिल्ली दरवाज़ा अलग है, बहुत से दरवाज़े हैं, हैं शहर इल्म का मगर बस एक दरवाज़ा, शहर इल्म का बस एक दरवाज़ा है, बस एक दरवाज़ा, और वो दरवाज़ा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहरहाल बात यहाँ तक आ गई तो एक कलिमा और आगे बढ़ाऊँ कि इल्म फ़िक्र क्या है। इल्म फ़िक्र वो इल्म है कि जो दलाइल से शरीयत के फ़ुरुआत के अहकाम साबित होते हैं, जिस इल्म से यानी फ़ुरुआत से मुतालिक, उसूल दीन नहीं शामिल है इसमें। उसूल दीन के इल्म के लिए भी लफ्ज़ फ़िक्र इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसको कहते हैं अल-फ़िक्हुल अकबर, जलीलुल क़द्र उलमा ने इस्तेमाल किया, ये इस्तिलाह हमारे यहाँ मौजूद है, अल-फ़िक्हुल अकबर। अल-फ़िक्हुल अकबर यानी उसूल दीन का इल्म, तौहीद का इल्म, नबूवत का इल्म, माद का इल्म, उसूल दीन से मुतालिक इल्म अल-फ़िक्हुल अकबर है। फ़ुरू दीन से मुतालिक इल्म इल्म फ़िक्र है। ये इल्म फ़िक्र जिसकी बुनियाद फ़हम इंसानी पर है, ये फैज़ान नबूवत ही से परवान, तवज्जो रहे, हमारे पास जो फ़िक्र है ये फ़िक्र फैज़ान नबूवत से है, मगर खुद ज़ात गिरामी नबी का सरमाया इल्म फ़िक्र नहीं था, हमारा सरमाया है इल्म फ़िक्र, नबी का सरमाया था इल्म वही। नबी का सरमाया इल्म वही था, और इसलिए भी आप ये नहीं कह सकते कि वो हमारे जैसे थे। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। उनका सरमाया इल्म वही, उनका सरमाया इल्म लदुन्नी, हमारा सरमाया इल्म फ़िक्र, हमारा इफ्तिखार इज्तिहाद। वो इल्म लदुन्नी रखते हैं, हम इज्तिहाद करते हैं। नबी मुज्तहिद नहीं होता, नबी को मुज्तहिद कहना नबी की तौहीन है। बहुत से लोग समझते हैं, हमारे बाज़ स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स नबी को मुज्तहिद करार देते हैं, नबी इज्तिहाद फरमाया करते थे। इज्तिहाद की बुनियाद जहालत पर होती है, नबूवत की बुनियाद इल्म पर होती है। ये तशरीफ़ फरमाएं उलमा, पूछिए, इनके महज़र में कह रहा हूँ, अगर जसारत होगी गुस्ताखी होगी तो ये उठ के चले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, क्या कह रहे हो। इज्तिहाद की बुनियाद जहल है। इज्तिहाद करता कब है मुज्तहिद? मुज्तहिद इज्तिहाद करता है जब उसे इल्म इलाही, इल्म खुद, हुक्म इलाही, हुक्म खुदावंदी इब्तिदान मालूम ना हो, उस हुक्म को दरियाफ्त करने के लिए जो कोशिश करता है, उस कोशिश का नाम है इज्तिहाद। नामालूम हुक्म को दरियाफ्त करने के लिए जो मालूम वसाइल हैं, उन वसाइल के जरिए से उस नामालूम हुक्म को दरियाफ्त करने की कोशिश करना फ़िक्र है, इज्तिहाद है। नबी नामालूम हुक्म को मालूम करने के लिए इज्तिहाद नहीं करता, नबी तो खुद सर चश्मे अहकाम है। नबी का अमल हमारे इल्म की बुनियाद है,
نبی کا قول ہمارے علم کی بنیاد ہے نبی کا سکوت ہمارے علم کی بنیاد ہے آپ نبی کو اپنے برابر قرار دے رہے ہیں نبی کا سکوت ہمارے لئے علمی دلیل ہے نبی کا قول ہمارے لئے علمی دلیل ہے نبی کا عمل ہمارے لئے علمی دلیل ہے یعنی نبی سراپا علم ہے نبی کو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے نبی کو مجتہد کے درجے پر نہ لے جائیں نہ مجتہد نبی ہوتا ہے نہ نبی مجتہد ہوتا ہے مجتہد کا سرمایہ فقہ ہے اور فقہ فیضان نبوت ہے اس میں کوئی شک نہیں فیضان نبوت ہے فقہ فروعات کا علم ہے دلائل کے ساتھ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ فروعات مذہب میں پوری زندگی شامل ہے دیکھیں آپ کے متعلق جو پہلا جملہ کہا تھا وہ یاد رکھیے گا تقریر جب طویل ہو جاتی ہے تو کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں کچھ انسان بھلا دیتا ہے آپ سے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جانے کہ فقہ آپ کی زندگی کے مینجمنٹ کا علم ہے یہ جو لمحہ حاضر ہے یہ جو ہماری چٹکی میں لمحہ ہے اسے کیسے استعمال کریں کہ یہ لمحہ ابدیت کا ساما بن جائے یہ لمحہ اس وقت جو زندگی ہمیں میسر ہے اس کا استعمال کیسے کریں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں یہ شعور بیدار ہونا چاہیے نا اب یہ ہمیشہ زندگی کا سوچنے کا طرز بدل دیجئے ہمیشہ یہ نہ سوچا کیجئے ماضی میں کیا ہوا ماضی کے لوگوں نے کیا کیا ماضی سے اگر کوئی چیز آپ کو مل سکتی ہے تو بس ایک چیز اور وہ سیرت انبیاء اور اولیاء ہے اور یہ وہ چیز ہے دوسرا جملہ یاد رکھیے گا یہ وہ چیز ہے جسے ہم کبھی ماضی کا حصہ سمجھتے نہیں ماضی کا حصہ وہ سمجھے جو انہیں مردہ سمجھتے ہوں ہم تو زندہ سمجھتے ہیں صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد جو لوگ مر جاتے ہیں وہ ماضی کا حصہ ہوتے ہیں اور جو لوگ مرتے نہیں ہیں زندہ رہتے ہیں وہ ہمارے حال میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں وہ ہمارے مستقبل کو سنوارتے ہیں بناتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ نبی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو دیکھیں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں البتہ یہ جملہ مکرر عرض کر رہا ہوں مجبور ہوں بعض باتیں ایسی ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں ملتان میں شاگردیز کی امام بارگاہ میں میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیوں ہو گئی نبوت اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے عاشقان رسول سمجھیں گے اور صرف عاشقان رسول نہیں جو اپنے کو خود ساختہ عاشقان رسول کہتے ہیں وہ عاشقان رسول جو معرفت حق رسول رکھتے ہیں جو معرفت حق رسول رکھتے ہیں نبوت ان پر ختم اس لیے ہوئی کہ ان کے علاوہ کسی پہ ختم ہو ہی نہیں سکتی تھی نبوت ان پر ختم اس لیے ہوئی کہ اصلاً حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں نبی تو بہت ہیں
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम तक, नबी बहुत हैं मगर हकीकत नबूवत, काश ये जुमला समझ लिया जाए और महफूज कर लिया जाए, जिस तरह हकीकत उलूहियत मुनहसर है ज़ात समदी में, उसी तरह हकीकत नबूवत जौहर नबूवत मुनहसर है ज़ात मुहम्मदी में। बाकी तमाम अंबिया की नबूवतें इनकी नबूवत का तरशो है, हकीकत नबूवत मुनहसर इसी ज़ात में है, कोई और नबी हो ही नहीं सकता। दूसरे जितने नबी हुए वो इनके ऊपर ईमान लाकर नबी हुए। मौजू नबूवत नहीं है इसलिए बस इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरे जो नबी हुए हैं वो इसलिए नबी हुए कि इनके वजूद मुबारक के बरकात उन तक पहुँचे, वरना हकीकत उलूहियत जिस तरह माबूद बस एक है, बस एक है, दो हो ही नहीं सकता, वाजिबुल वजूद दो हो ही नहीं सकते, शुभ है इब्ने कमूना बातिल है, बातिल है बातिल रहेगा, दो वाजिबुल वजूद हो ही नहीं सकते, एक ही वाजिबुल वजूद मुमकिन है। इसी तरह नबूवत की हकीकत मुनहसर है ज़ात मुहम्मदी में, कुल नबूवत ज़ात मुहम्मदी में, इसलिए इन्हीं पर ख़त्म हुई और इसलिए इन्हीं पर इन्हीं से शुरू हुई, शुरू भी तो इन्हीं से हुई, इन्हीं का तो इरशाद है, कुन तो नबीन व आदम बैन अलमा व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। इनसे नबूवत शुरू हुई, इन्हीं पे नबूवत ख़त्म हुई, जब हकीकत नबूवत मुनहसर है इनकी ज़ात में, तो ये हामिल इल्म इलाही हैं, खजीना दार इल्म इलाही हैं, खजीना दार मशीयत हैं, वेआ इल्म इलाही का नाम मुहम्मद है, ज़र्फ़ मशीयत इलाहिया का नाम मुहम्मद है। मुहम्मद मुज्तहिद नहीं है, इज्तिहाद का आगाज जहल से होता है, ये वही समझेगा जिसके अंदर समझ बूझ हो, बात ही समझ बूझ की हो रही है, बात ही फ़िक्ह की हो रही है, ये फ़िक्ह जो हमें मिली है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से, यह आपकी पूरी ज़िंदगी के मैनेजमेंट के लिए काफ़ी है। हाँ, इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें, कैसे काफ़ी है, अब एक ज़रा सा मोड़ दे दूँ और आज की गुफ्तगू को मुख्तसर करके कल के लिए गुफ्तगू को मुतवक्फ़ करूँ। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, जहाँ जाता हूँ ये मसला छेड़ दिया जाता है कि साहब ये बताइए कि ये तकलीद क्या चीज़ है। मैं अर्ज़ करता हूँ क्या चीज़ है, ठंडे दिल से सोच लीजिए, गौर कर लीजिए, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। आपको लोगों ने बहकाया होगा, धोखा दिया होगा, मैं पूरी तालिबे इल्माना ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, तकलीद का लफ्ज़ ज़ाहिर है कि वो ऐसा है जिससे थोड़ी सी वहशत होती है, तकलीद का कलिमा है ऐसा कि उससे थोड़ी सी वहशत होती है, क्योंकि उनको समझाया जाता है कि तकलीद इसी रूट वर्ड से क़िलादा भी है, क़िलादा कहते हैं गुलूबंद को, हैं वो समझते हैं कि ये कोई गले का फंदा है, तकलीद कोई गले का फंदा है जिसमें इंसान फंस जाता है, तकलीद गले का फंदा नहीं है। लफ्ज़ से वहशत न कीजिए, अब इसकी टेक्निकल डिफिनेशन समझ लीजिए और देखिए कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है, ज़रूरत नहीं है तो ना इख्तियार कीजिए, कौन कहता है इख्तियार कीजिए, ज़रूरत है तो इख्तियार कीजिए, ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल इख्तियार ना कीजिए।
कोई गैर ज़रूरी शय अख्तियार करने के लिए इस्लाम नहीं कहता। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और वो हदीस सहीह सनद है और ये रिवायत मुस्तफ़ीवा है। तीन से ज़्यादा असनाद मौजूद हैं, यानी वैसे तो असनाद की कसरत का फ़नी तरीक़ा जो है तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 13,000 सनदों से ये रिवायत पहुँची है। 13,000 सनदों से, मैं मुबालिगा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तमाम सनदें जो फ़नी तरीक़ा है सनद परखने का, वो जानते हैं, उलमा जानते हैं कि किस तरीके से सनद परखी जाती है। 13,000 तरीक़ों से ये रिवायत हम तक पहुँची है, लेकिन मुंतही होती है आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर। मुंतही होती है, तीन से ज़्यादा रुवात हैं जो जिसे कहते हैं कि रावी अव्वल, जिसमें मासूम भी शामिल हैं, खुद अइमा अहले बैत, और गैर मासूम भी शामिल हैं, अस्हाब भी शामिल हैं, अहले बैत भी शामिल हैं। रिवायत यह है कि मिन हुस्न इस्लाम अल-मर तर्कहू माला यानी, इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है, यानी बेहतरीन इस्लाम ये है, तर्कहू माला यानी जिस चीज से इंसान को सरोकार न हो उसे तर्क कर दे। क्या क्या हसीन जुमला है, क्या हसीन जुमला है। जवानान अजीज़, बुजुर्गान मोहतरम, ज़रा अपनी ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल पर गौर कीजिए कि हम लोग कितनी बातें दिन भर में करते हैं, कितना मसरफ करते हैं, कितना खर्च करते हैं, ऐसी बातों पर वक्त ज़ाया कर देते हैं, गुफ्तगू ज़ाया करते हैं, जान खर्च कर देते हैं। आखिर गुफ्तगू करने में भी जान खर्च होती है, जान खर्च होती है, जिससे सरोकार नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी बातों पर वक्त सर्फ होता है। हुजूर सलीका ज़िंदगी का सिखा रहे हैं कि मिन हुस्न इस्लाम अल-मर तर्कहू माला यानी, इंसान के लिए बेहतरीन इस्लाम यह है कि जिस चीज़ से उसको कोई सरोकार ना हो, वासता ना हो, कंसर्न ना हो, ज़रूरत ना हो, उसे छोड़ दे। अगर तकलीद गैर ज़रूरी है छोड़ दीजिए, अगर ज़रूरी है तो आप ही फैसला कीजिए कि एक ज़रूरी काम क्यों छोड़ा जाए। ये ज़िम्मेदारियाँ इतनी मसाफतें तय करके जो मोमिनीन आए हैं, खुदा के वास्ते मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, अच्छी तरह इस मसले को समझ लें, और ख़ास तौर से इस काम को हमारी माएँ अंजाम देंगी, हमारी बहनें अंजाम देंगी। जाने के बाद आपका मैसेज आपके बच्चों के लिए ये होगा कि भाई अगर ये मसला माकूल है तो इस पर अमल करो। शौहरों से बीवियाँ अमल कराएंगी, बच्चों से माएँ अमल कराएंगी, भाइयों से बहनें अमल कराएंगी। और यूं भी याद रखिए, तहजीबें परवान चढ़ी हैं ख्वातीन की कुर्बानियों से, तहजीबें ख्वातीन की कुर्बानियों से परवान चढ़ी हैं। मर्द तो लड़ झगड़ के, जंग व जदल करके तहजीब व तमद्दुन को बिगाड़ते हैं, मिटाते हैं, औरतें हैं जो तहजीबों को अमानत के तरह रखती हैं। तो ये मसला समझ के जाएं, अगर ज़रूरी है तो अमल करें, हर घर जन्नत नज़ीर बन जाएगा। देखिए तकलीद कहते हैं किसे, टेक्निकल इसकी डिफिनेशन क्या है, किसी माहिर कार की राय के मुताबिक काम करना, बस टोटल ये है डिफिनेशन, यही है हुजूर। माहिर कार की राय के मुताबिक अमल करना, मसलन मैं हूँ बचपन ही से मौलवी हूँ इत्तेफाक़ से, मैं कुछ नहीं आता घर का काम, एक प्याली धोने नहीं आती, अब अगर मैं खड़ा हो जाऊँ चाय बनाने के लिए तो क्या हश्र होगा। अगर मुझे चाय बनानी है तो उसका तरीक़ा ये है कि मैं खातून खाना की तकलीद करूँ,
यानी क्या तकलीद के क्या मानी होंगे? यानी खातून खाना मेरी गर्दन में रस्सी बांध के खींचेंगी, तकलीद के ये मानी। मैं पूछूंगा कि खातून मोहतरम ज़रा बता दीजिए चाय बनती कैसे है, केतली में पहले पत्ती डाल दूं या पहले पानी, पहले शक्कर डाल दूं या शक्कर न डालूं, दूध डाल दूं साथ में या न डालूं। जिस तरतीब से वो कहेंगी कि बेहतरीन चाय इस तरह बन सकती है, उस तरीक़े को सामने रख कर चाय बनाना, यह है तकलीद। गौर फरमाया आपने, मुझे कोई प्लॉट ख़रीदना है। अब प्लॉट अगर ख़रीदना है, मैं तो बिजनेसमैन हूँ नहीं, बचपन से मौलवी। अब ये और बात है कि आजकल मौलवी भी दो किस्म के हो गए हैं। कुछ मौलवी ऐसे बिजनेसमैन हैं कि कोई बिजनेसमैन भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे मौलवी तो ऐसे बिजनेसमैन हैं कि कुरान बेच दें, दीन बेच दें, ईमान बेच दें, जो भी चाहें बेच दें, इस्लाम बेच दें, इस्मत बेच दें, रिसालत बेच दें, नबूवत बेच दें, कुछ भी बेच दें। वो भी एक किस्म है, वो भी एक किस्म है। लेकिन जहाँ बातिल उलमा होते हैं वहाँ हक उलमा भी हमेशा रहे, हमेशा रहे, और दीन और इंसानियत बाकी उन्हीं उलमा के दम से है कि जो हक के वफादार होते हैं। तो अब अगर मुझे तमीज़ नहीं है कि ज़मीन कौन सी कैसी होती है, मुझे इतने यही नहीं खबर कि रेजिडेंशियल एरिया क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया क्या होता है, एजुकेशनल एरिया क्या होता है, कुछ खबर ही नहीं। शहर से घर से निकलते ही नहीं तो खबर क्या होगी। तो अब मैं रियल इस्टेट के जो लोग हैं उनसे पूछूंगा कि भाई मुझे घर बनाने के लिए एक प्लाट चाहिए। अब वो जो मशवरा देंगे कि ये ज़मीन अच्छी है, ये मकाम अच्छा है, सेफ्टी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से, वगैरह वगैरह, वो ख़रीद लूँगा। ये माहिर कार की राय के मुताबिक जो मैंने ख़रीदा, ये मैंने उसकी तकलीद की। और अब उससे बढ़कर मिसाल दे दूँ, मिसाल ये है कि अब ये प्लॉट तो ख़रीद लिया, अब प्लॉट पर बनाना है मकान। अच्छी तरह समझ लीजिए अगर ये मिसाल, तो बहुत सी मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। बस ये आखिरी मिसाल दे रहा हूँ आज इस वक्त। मकान बनाना है, जाहिर है कि मैंने शुरू से जो पढ़ा है वो फ़िक्ह उसूल, उसूल फ़िक्ह, हदीस कुरान, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी ही नहीं। नक्शा बनाना मुझे आता नहीं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी नहीं। किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया जाता है, उसकी बुनियाद कैसी होनी चाहिए कि जलजला भी आए तो इमारत ना गिरे, अर्थक्वेक प्रूफ कैसे बिल्डिंग बनती है, किस तरीके से वो बीमें डाली जाती हैं कि उसका बोझ जो है वो बराबर से तकसीम हो जाए। तो मैंने ये किया कि वो प्लाट का नक्शा लिया और अपनी ज़रूरतें, तवज्जो रखिएगा यहाँ पर, अपनी ज़रूरतें, फ़र्ज़ कीजिए कि एक ही बीवी हो तो एक अदद कमरा मुझे अपना बेडरूम चाहिए, और मेहमान खाना चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, स्टडी रूम चाहिए। अगर किसी की माशाअल्लाह उसने सुन्नत पे अमल किया है, चार बीवियाँ हैं, तो उस एतबार से घर की वसत चाहिए, कमरे चाहिए, जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें आपने कागज़ पे लिख लीं। तवज्जो रखिएगा, ज़रूरतें एक कागज़ पे लिख लीं और जो प्लाट है उसका नक्शा ले लिया, और ये दोनों चीज़ें दी किसको, जो उस फ़न का माहिर है। उस फ़न के माहिर ने जो नक्शा बना के दिया, हम बस ये देखेंगे कि इस नक्शे में हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं। अगर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो बस उस नक्शे के मुताबिक मकान तामीर हो जाएगा। ये जो मकान तामीर किया उसके दिए हुए नक्शे के मुताबिक मकान हमारा, अब अगर कोई बहस करे साहब मकान मेरा, उसके बनाए हुए नक्शे के मुताबिक क्यों बनाऊं? लोग कहते हैं ना कि दीन हमारा, मजहब हमारा, हम उनकी तकलीद क्यों करें?
मकान हमारा, हम उस इंजीनियर के बनाए हुए नक्शे के मुताबिक क्यों अमल करें? भाई आपने चूंकि इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं है तो मजबूर हैं कि आप उससे नक्शा लेकर उसके मुताबिक घर बनाएं। इसी उसके नक्शे के मुताबिक घर बनाना, इसका नाम है तकलीद। और अर्ज कर दूं, अब इल्मी तौर पर जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं कि खवातीन सुन के जाएं एक जुमला, और हर बच्चे को बस एक नसीहत करें, बेटा कभी कदम जहालत की तारीकी में ना उठाना। ये नसीहत अच्छी है नहीं, माकूल है नहीं, दुरुस्त है, खिलाफ अक्ल तो नहीं है, खिलाफ फितरत तो नहीं है, खिलाफ दीन तो नहीं है? बेटा कभी कदम जहालत की तारीकी में ना उठाना, जो कदम उठाओ इल्म की रोशनी में उठाओ। इल्म की रोशनी में जो कदम उठाओगे वो पायदार रहेगा, वो रायगा नहीं जाएगी कोशिश। आज की मजलिस से अगर सिर्फ एक जुमला याद रह गया खवातीन को खसूसियत से, तो मैं समझता हूं कि मेरी मेहनत कारामद हो गई। कि हम कोई कदम जहालत की तारीकी में ना उठाएं, इल्म की रोशनी में उठाएं। इल्म की रोशनी में कदम उठाने के मानी क्या हैं? जिंदगी, जिंदगी के मसाइल, जिंदगी के तकाजे कितने गुनागू हैं, तहदार बेशुमार मसाइल हैं। हर मसले में हम क्या मर्द फन बन सकते हैं, माहिरे कार बन सकते हैं, मुतखस्सिस और स्पेशलिस्ट बन सकते हैं? नहीं बन सकते। जब नहीं बन सकते तो इसकी महसूस मिसाल दे दूं, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, है? अगर आपको रास्ता तय करना है तो दो सूरतें हैं, या तो खुद चिराग जलाएं, या तो आपके हाथ में टॉर्च हो, आपके हाथ में लालटेन हो, आपके हाथ में चिराग हो, या किसी ऐसे के पीछे पीछे चले जिसके हाथ में चिराग हो। तीसरी कोई राह नहीं है, या खुद आपके हाथ में चिराग हो या उसके पीछे चले जिसके हाथ में चिराग हो। और अगर ये जिद पकड़ ली कि हमारे पास चिराग तो नहीं है मगर हम उनके चिराग में क्यों चले, तो अंजाम कार खुद समझ लीजिए क्या होगा। अंजाम कार खुद तय कर लीजिए क्या होगा। इस्लाम का बस ये मुतालिबा है कि जो कदम उठे वो इल्म की रोशनी में उठे, या खुद मुज्तहिद और फकीह बन जाए, खुद इस पाए का दीनी सूझबूझ पैदा कर लें, इस पाए का दीनी शऊर पैदा कर लें कि आप मुज्तहिद कहलाएं, फकीह कहलाएं, आलिम दीन कहलाएं, कुरान और हदीस और सीरत और सुन्नत की रोशनी में आप हुक्म इलाही का कशफ कर सकें, हुक्म इलाही को डिस्कवर कर सकें, दरियाफ्त कर सकें। और अगर नहीं कर सकते तो उसके पीछे पीछे चलें जो हुक्म इलाही को डिस्कवर करके बताए कि यह है हुक्म इलाही। इल्म के पीछे चलोगे तो कभी इख्तिलाफ नहीं होगा। मासूम का जुमला है कि जाहिल अगर खामोश रहे तो कभी इख्तिलाफ नहीं होगा। तारीख इस्लाम का आलमिया यही है, मुसलमानों में 73 फिरके इसीलिए हुए कि इल्म के दरवाजे को बंद कर दिया। अगर इल्म के दरवाजे से जुड़े रहते, नहीं नबुवत मौजूद है उसके मुकाबले में इश्तिहाद कर रहे हैं, इमामत मौजूद है उसके मुकाबले में इश्तिहाद कर रहे हैं, कुरान मौजूद है उसके मुकाबले में इश्तिहाद कर रहे हैं, फिर मातम कर रहे हैं खताए इश्तिहादी का। गालिब बेसाख्ता याद आ जाता है, ये इज्तिहाद अजब है,
कि एक दुश्मन दीन अली से आके लड़े और खता कहे उसको। ये इजतिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन अली से आके लड़े और खता कहे उसको। यजीद को तो न था इजतिहाद का पाया, बुरा न मानिए अगर हम बुरा कहें उसको। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले में। सिर्फ एक नसीहत याद रखिए, एक हुक्म इलाही, हमेशा इल्म के पीछे चलो। ज़िंदगी रायगा नहीं होगी। इल्म की रोशनी में जो काम होता है उसी को अमल कहते हैं। शुरू में कह चुका, इल्म और अमल के हरूफ एक हैं। इल्म की रोशनी में जो कदम उठता है तो अमल वजूद में आता है, और इल्म की रोशनी में जो काम नहीं होता वो अमल नहीं अबस होता है। उसी को अबस कहते हैं। अबस, परवरदिगार आलम ने कहा है, हमने ये ज़मीन व आसमान अबस पैदा नहीं किया। हमने ज़मीन व आसमान को अबस पैदा नहीं किया। कुरान मजीद में है लफ्ज़ अबस। अमल और है, अबस और। अमल वो है जो इल्म की रोशनी में हो, अबस वो है जो जहल की नज़र हो जाए, इल्म की रोशनी में ना हो। बस तो आपने नक्शा बनाया घर का, तकलीद वहाँ बुरी नहीं लगी। ज़मीन ख़रीदने में तकलीद बुरी नहीं लगी। अरे बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो उसने लिख दी दवा जल्दी से जाकर दवा खाने से केमिस्ट के यहाँ से ख़रीदी और इस्तेमाल कर ली। ये नहीं सोचते कि खुदा ना खास्ता कहीं भूल गया ये। कहीं सहो हो गया तो ये दवा जहर बन जाएगी। नहीं, फौरन, चूंकि एतमाद है। अरे भाई डॉक्टर है, माहिर है, पढ़ा लिखा है, तजर्बेकार है, इसने लंदन से FRCS की डिग्री भी हासिल की है, MD किया हुआ है, MBBS थोड़ी है, आम डॉक्टर नहीं है, है MD किया हुआ डॉक्टर है, इसकी राय बिल्कुल मुतमइन। फौरन इधर उसने नुस्खा लिखा, उधर दवा ली और इस्तेमाल कर ली। यही तकलीद है। और अगर आप वहीं ठहर गए, उनका डॉक्टर साहब ये आपने दवा क्यों लिखी, ये कौन सा बुखार है, इब्ने सीना ने बुखार की गालिबन 28 या 27 किस्में लिखी हैं एक किताब में, इब्ने सीना ने। और उसके बाद एक और हकीम ने बुखार के 47 किस्में लिखी हैं। टेम्परेचर सिर्फ क्यों हो जाता है, तो आप पूछिए कि ये कौन सा टेम्परेचर था, और ये दलील क्या है कि इसके लिए यही दवा इस्तेमाल करूं। तो फिर इंशाल्लाह वही होगा कि जू जू दवा करेंगे मरज बढ़ता चला जाएगा, यही होगा। ऐसा ना कीजिए। आप डॉक्टर का नुस्खा जैसे लेते हैं, ऐसे ही फुरू दीन में एक चीज़ तय करना शर्त है। देखिए, उसूल में तकलीद हराम है, फुरू में लाजिम। क्यों? एक उसूल में क्या है, यह तय करना जरूरी है कि नुस्खा लेंगे तो डॉक्टर से। डॉक्टर का तायुन उसूल दीन में है। नुस्खे पर अमल करना फुरू दीन। इसीलिए इमामत और नबूवत उसूल दीन में है। इमामत और नबूवत उसूल दीन में, और फुरुआत मजहब पर अमल करना फुरुए दीन में अमल। फिर कह रहा हूँ, ये लाजिम नहीं है कि आप तकलीद ही करें, दरवाज़ा खुला हुआ है पाटो पाट। जो मुश्तहिद बनना चाहे बन जाए। मुतालिबा ये है कि अमल इल्म की रोशनी में हो,
अगर इल्म बहते इश्तिहाद है तो यही मंजूर नजर इलाही है, अगर बहद इश्तिहाद नहीं है तो और चारा नहीं है कि किसी मुश्तहिद की राय के मुताबिक अमल किया जाए ताकि अमल जाया ना हो, बर्बाद ना हो। वाज़े है, पूरी मिल्लत इस्लामिया की रियासत बर्बाद हो रही है सिर्फ इसलिए कि खताकार मुश्तहिदों के पीछे चल रहे हैं, इल्म अली से इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं, फैजान नबूवत से इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं। बस गुफ्तगू को यहाँ पे रोक रहा हूँ, आज की गुफ्तगू इतनी काफ़ी है, ये तमहीद है। अभी इश्तिहाद और तकलीद और तफक्कुह के बारे में दकीक मसाइल और बाकी हैं जो कल और परसों की गुफ्तगू में आएंगे इंशाअल्लाह, और इन्हीं दकीक मसाइल से फ़ज़ाइल के अबवाब खुलेंगे, मरातिब समझ में आएंगे मासूमीन के। आज इतनी बात तो आपकी समझ में आई कि नबी मुज्तहिद नहीं होता, नबी हमारा जैसा नहीं होता, इमाम मुज्तहिद नहीं होता, इमाम भी हमारा जैसा नहीं होता। इमाम और नबी इल्म का सरचश्मा है, इल्म का सरचश्मा। इमाम और नबी ने इश्तिहाद करना सिखाया है, खुद मुज्तहिद नहीं थे, इश्तिहाद करना सिखाया है, फकीह बनाया है, जो इनके दामन से वाबस्ता हो जाए वो फकीह बन जाता है, जो इनके दामन से वाबस्ता हो जाए वो फकीह होता है, और फकीह का फिर अमल मुस्तनद होता है। देखिए करबला में एक इमाम है और उसके साथ जो असहाब हैं उनमें फुकहा भी हैं, क्योंकि फ़िक्ह की गुफ्तगू हो रही है इसलिए जहन लाजिम है कि फ़कीह करबला तक पहुँचे। कौन है फ़कीह करबला? हबीब इब्न मज़ाहिर, मशहूर है ये रिवायत। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये रिवायत ज़ईफ़ है या पुरानी कदीम किताबों में कदीम मसादिर में नहीं मिलती, मगर कोई बईद नहीं। जब आप इबादात में तसामुह फ़ी अदिल्लति सुनन के कायल हैं तो इस तरह की रिवायात के कबूल करने में तअम्मुल करना कुछ ज़्यादा रवा नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम जब करबला पहुँच गए तो उन्होंने एक कासिद कूफे खुसूसी भेजा। बस रोना इसी का है, फ़कीह इमाम की मदद का मुस्तहिक और मोहताज होता है। हाय करबला कि इमाम फ़कीह को अपनी मदद के लिए बुला रहा है। आखिर फ़कीह इमाम का मोहताज है, इमाम फुकहा की मदद करते हैं, मगर ये इमाम है इसकी बेकसी है कि इमाम फ़कीह को अपनी मदद के लिए बुला रहा है। फ़कीह है करबला हबीब इब्ने मज़ाहिर। मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मसादिर में ये नामे मुबारक नहीं है, तो भी हबीब इब्ने मज़ाहिर की शख्सियत फ़कीह है। तारीख में देखिए हबीब का इल्म, हबीब का इरफान, हबीब की कुरान शनासी, हबीब मामूली फ़कीह नहीं, गैर मामूली फ़कीह थे। हबीब वो फ़कीह है जिसने मैदान करबला में क़यामत खेज लम्हे में भी इज्तिहाद किया है। तारीख़ है, ये इज्तिहाद हबीब का वो है जो तमाम तारीखों में उठा कर देख लें। बस मसाइब के भी बाब में दाखिल हो चुकी है गुफ्तगू, लेकिन मौजू से मरबूत भी है। आप गिरिया करेंगे मैं मना नहीं करूँगा, हुसैन पर गिरिया करना बिदअत नहीं है। हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी बिदअत नहीं है, हराम नहीं है, मंजूर इलाही है। आपके मातम की आवाज़ों से फरिश्ते मानूस हैं,
मलाइका मानूस है। जो लोग तरीक़त की बातें करते हैं, तरीक़त, हकीक़त, तसव्वुफ़, इरफान, मैं उनके लिए एक हवाला दे रहा हूँ कि ग़ुनियतुत्तालिबीन एक बहुत मारूफ किताब है हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी की। उसमें वो अपने सिलसिले तरीक़त के पीर व मुर्शिद हैं, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि बाद कत्ल इमाम हुसैन 70,000 फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा और कहा कब्र हुसैन के पास रहो और क़यामत तक गिरिया व बुका करते रहो। जो खुदा फरिश्तों को भेजे के गिरिया व बुका करो, वो हम इंसानों के गिरिया व बुका से क्या नाखुश होगा। हुसैन पर गिरिया व बुका, यह आज़ादारी अहतमाम इलाही में चल रही है। सआदतमंद हैं आप के जो इसमें अपना हक और हिस्सा शामिल कर रहे हैं, जो लोग भी हक और हिस्सा शामिल कर रहे हैं। बहरहाल हबीब ने, अल्लाहु अकबर, हबीब ने रोज़ आशूरा जो इज्तिहाद किया है, हुक्म इलाही है कि जंग की कैफियत में नमाज नमाज खौफ के शक्ल में पढ़ी जाए। इमाम ने नमाज खौफ की शक्ल में नमाज जमात पढ़ी है ज़ुहर की, तारीख़ों में है, आप जाके देखिएगा। नमाज खौफ, खौफ की शक्ल में आपने नमाज पढ़ी है बा जमात, मगर अल्लाहु अकबर। आप जुमला सुनेंगे, ये जुमला मैं बराबर कहता रहा हूँ कि तीर व तबर का ज़ख्म अहले बैत के लिए मामूली होता है, तलवार का और पत्थर का ज़ख्म मामूली होता है, लेकिन जो सलूक, नारवा सलूक, जो नारवा बातें इनके खिलाफ शान कही गई हैं, जब इमाम हुसैन ने फरमाया है ज़ुहर के वक्त, क्या क्या अस्हाब हुसैन थे, बस ये समझ लीजिए, मुआजना कर लीजिए। दोनों फ़ौजों का मुआजना बहुत आसान है। जंग है, करबला की जंग, 3 दिन की भूख और प्यास के आलम में जंग, और हुसैन का एक सईद सहाबी वो आके कहता है कि यबना रसूलल्लाह, ए फरजंदे रसूल, जी चाहता है ज़िंदगी की आखिरी नमाज आपके पीछे अदा कर लूँ। आज़ादार हो, नमाज नमाज मुसलमानों, नमाज नमाज। इमाम हुसैन का जानसार मैदान जंग में कह रहा है जी चाहता है आखिरी नमाज आपके पीछे अदा कर लूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने आसमान को देखा, उफ़ुक पर निगाह डाली और दुआ दी, कहा परवरदिगार तुझे नमाज गुजारों में शुमार फरमाए, तूने बर वक्त नमाज का तज़किरा किया है, हाँ हमें नमाज पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद फरमाया ज़रा दुश्मनों से कहो कि जंग थोड़ी देर के लिए रोक लें ताकि हम नमाज तो पढ़ लें। बस आप सुन सकते हैं, आप सुन सकते हैं, मैं तो कहने की हिम्मत नहीं हो रही है जो जुमला कहा है। उस फौज नाबकार से यह आवाज़ आई, हुसैन से कह दो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो यजीद की हिमायत और वकालत करते हैं, आज ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो कातिलान हुसैन को मुसलमान समझते हैं, आज ऐसे लोग पैदा हो गए हैं कि जो कातिलान इमाम को मुसलमान समझते हैं, जो फर्जंद रसूल की नमाज की तौहीन करे। हुसैन, हुसैन से कह दो कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। बस ये सुनकर हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी, मगर हुसैन इमाम थे, सब्र किया, जब्त किया, और इस जुमले को सुनते ही हबीब ने फैसला किया। हबीब ने कहा आका आप नमाज पढ़ें और बाकी असहाब को नमाज पढ़ाएं, अब मैं आपके जद रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंच कर नमाज पढ़ूंगा और तौहीन फर्जंदे रसूल करने वाले पर झपटे। ये था हबीब का इश्तिहाद, कहा आका आप नमाज पढ़ें, मैं इस शख्स को अभी सजा देता हूं जिसने आपकी तौहीन की है। बस हबीब ने बेपनाह जंग की, तौहीन रिसालत करने वाले को उसकी सजा देनी चाहिए।
तौहीन इमामत करने वाले को उसकी सज़ा देनी चाहिए। बेपनाह जंग की हबीब ने, हुसैन नमाज पढ़ाते रहे, हबीब जंग करते रहे। और जब हुसैन की नमाज ख़त्म हुई तो देखा हबीब एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। मैं कुछ और भी अर्ज़ करना चाहता था मगर बस एक जुमला कहकर गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। आज की बिल्कुल अधूरी गुफ्तगू है, गुफ्तगू कल इंशाअल्लाह जारी रहेगी। हबीब इस दुनिया में इमाम पर अपनी जान निसार कर गए। इमाम हुसैन ने हबीब के सिरहाने पहुंचकर जो जुमले कहे हैं, जो कलिमात कहे हैं, वो सोने के हरफों से लिखे जाने के लायक है। हबीब को खराज तहसीन पेश किया है इमाम ने। हबीब के मुफारकत पे आंखें नम हो गईं हुसैन की, हुसैन आंसुओं से रोए। हबीब के रुख्सत होने पर हुसैन ने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की। हुसैन के इस जानिसार की ज़िंदगी कामयाब रही। मगर एक जुमला सुने आज़ादारान इमाम, अब जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो एक आरिफ का ख्वाब है। एक आरिफ ने, खुदा आप सबको ज़ियारत करबला मुअल्ला नसीब फरमाए, एक आरिफ करबला पहुँचा और उसने रियाजत की और ज़रीह मुक़द्दस हबीब के पास खड़े होकर एक ख़िताब किया। हबीब बड़ा मर्तबा पाया तुमने, दिल में अब कोई आरजू तो न रह गई होगी। हुसैन के हम रिकाब शहीद होना, इससे बड़ा कोई शरफ हो ही नहीं सकता। शहीद हो जाना, इससे बड़ा कोई शरफ नहीं है। और फिर हुसैन के साथ शहीद हो जाना, इससे बड़ा कोई शरफ नहीं है। कहा हबीब अब कोई दिल में आरजू तो न रह गई होगी। फकीह करबला हबीब का जवाब सुने। मुकाशफे की कैफियत में हबीब आए और हबीब ने कहा तुमने इंसाफ नहीं किया मेरे साथ, मेरे दिल में अब भी एक आरजू बाकी है, काश मुझे दूसरी जिंदगी मिलती ताकि हुसैन पर मातम करने का शरफ भी हासिल करता। ताकि हुसैन की आज़ादारी का शरफ भी हासिल होता। ये आज़ादारी आरजू फकीह करबला हबीब है। गुफ्तगू ख़त्म हो गई मेरी मगर एक जुमला और अर्ज़ करूँगा। फ़िक्ह के हवाले से गुफ्तगू रहे, फ़िक्ह फ़हम शऊर, ये हबीब हैं। हबीब ने इज्तिहाद का सबूत भी दिया करबला के मैदान में, हबीब ने अपनी आरजू भी बता दी। लेकिन किताबें पढ़िए गौर से, हजरत अब्बास के तस्करे में मिलता है, अब्बास इमाम मासूम तो न थे मगर फकीह अहले बैत थे। फकीह अहले बैत थे अब्बास। अब्बास के मरातिब में और सिफात में भी फकाहत का जिक्र आता है। मुमकिन नहीं है कि तारीख फकाहत मुकम्मल हो जाए जब तक कि खुद अब्बास का जिक्र ना हो और अब्बास की नस्ल से होने वाले फुकहा का जिक्र ना हो। तारीख में जनाब अब्बास की नस्ल में फुकहा हुए हैं, मुहद्दिसीन हुए हैं, उलमा हुए हैं, जिनका तस्करा नहीं होता है। आज सिर्फ इशारतन अर्ज कर रहा हूं। लेकिन फकीह का शऊर कहां तक होता है? एक हबीब है जिन्होंने हुसैन के साथ गुस्ताखी करने वाले को सजा देना जरूरी समझा, यह है हबीब का इज्तिहाद। और अब्बास का इज्तिहाद सुनेंगे आप? अब्बास शुजा अब्बास, अब्बास वफादार अब्बास, अब्बास जान निसार अब्बास, अब्बास का इज्तिहाद, अब्बास की फिक्र, अब्बास की फहम, अब्बास का शुऊर तमाम शहीदों के लिए यह है कि सबके लाशें हुसैन उठाकर लाए। है ना? मगर अब्बास का लाशा खैमे तक नहीं आया। ये नहीं कि हुसैन उठाकर नहीं लाए। अजीब व गरीब मरहले पे गुफ्तगू आ गई है।
बिल्कुल मसाइब के कलिमात हैं, फिर भी एक पैगाम है जो दे रहा हूँ, वसीयत। फिकही अहकाम में एक अहम हुक्म है वसीयत। हुजूर की हदीस है, मन मात बगैर वसीयत मात मीतन जाहिलिया, जो बगैर वसीयत के मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरता है। वसीयत करके दुनिया से उठे जो भी मोमिन उठे, जो भी मुसलमान उठे, वसीयत करना बाज हालात में वाजिब है, उमूमन मुस्तहब है। करबला में कोई किसी से वसीयत नहीं कर रहा था, मगर फकीह कैसे तर्क कर सकता है हुक्म खुदा? अब्बास फकीह अहले बैत हैं, अब्बास ने वसीयत कर दी, क्योंकि अब्बास को हुसैन की शफकत का इल्म है, अब्बास को हुसैन की शजाअत का भी इल्म है। ऐसा नहीं है कि हुसैन के बाजू शल हो गए थे, हुसैन अब्बास को तन्हा उठा नहीं सकते थे, ऐसा नहीं है। मगर हुसैन चाहते नहीं थे अब्बास के आका को ये तकलीफ दें। अब्बास को मालूम था सबका लाशा हुसैन खैमे में ले गए, मगर जब खुद हुसैन घोड़े से जमीन पर आएंगे, हुसैन का लाशा ले जाने वाला कोई ना होगा। तवज्जो रहे, जितने बनी हाशिम में थे सबके लाशें हुसैन एक खेमे में लाए जहां बीबियां थी, जितने असहाब थे सबके खेमे हुसैन एक अलग खेमे में लाए, मैदान से एक खेमे में लाए जहां लाकर लाशों को रखा हुसैन का एहतमाम, ताकि लाशे शहदा के लाशे जेरे आफ्ताब खाक पर पड़े न रह जाएं। हुसैन का एहतमाम था, एक खास खेमे में ले आए। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, यानी हुसैन ने यह एहतमाम किया अपने असहाब के लिए कि किसी का लाशा रेगे गर्म पर पड़ा न रह जाए, किसी का लाशा जेरे आफ्ताब पड़ा न रह जाए। सबके लाशें उठाए, अकबर का लाशा, कासिम का लाशा, सबका लाशा, अजीजों के लाशे, असहाब के लाशे, मगर अब्बास फकीह अहले बैत है, अब्बास का शऊर बेदार है, अब्बास की सूझबूझ ये है, अब्बास ने देखा मैं आखिरी शहीद हूं, अब मेरे बाद बस आका हैं, आका का लाशा कोई नहीं उठाएगा, मैं आका की इस मुसीबत में शरीक रहूं, अगर वसीयत ना करूं तो हुसैन मेरा लाशा उठा कर ले जाएंगे, इसलिए वसीयत की, आका एक वसीयत है, मेरा लाशा खेमे में ना ले जाए। अब्बास की ये वसीयत अब्बास की फकाहत की दलील है, वसीयत पर भी अमल किया, आका मेरा लाशा खेमे में ना ले जाए। आका को कैसे समझाएं, आका को समझाएं कैसे कि आका इस वसीयत पे जरूर अमल करें? कहा इसलिए ना ले जाए कि मुझे सकीना से शर्म आती है, मैं बच्चों से पानी का वादा करके आया था, ये वादा पूरा ना कर सका, इसलिए आका आप मुझे यहीं जेरे आसमान इसी जलती हुई रेत पर रहने दें, आप मेरा लाशा न उठाएं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया को फ़िक्ह क़ुरान व फ़िक्ह मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ीद फरमा। परवरदिगार हमारी मिल्लत में और हमारे एक एक फ़र्द में फ़िक्ही शऊर बेदार कर दे। माबूद हमारे माशरे को मुनज़्ज़म कर दे, हम में इत्तेफ़ाक़ पैदा कर दे, इत्तेहाद पैदा कर दे, हम फ़ुक़हा और उलमा की क़दर कर सकें। परवरदिगार उलूम क़ुरान और मारिफ़ अहले बैत से हमारा दामन माला माल कर दे। परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया को तहज़ीब आले मोहम्मद के सांचे में ढाल दे, बरकात आले मोहम्मद को तमाम इंसानियत के लिए आम कर दे। वली आसर को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत का परचम लहरा दे।